तो अजीब बात है, मुझे लगा कोई आ रहा है। वो आखिर क्या था? अरे मैं भी कितना डरपोक गधा हूँ, कहाँ पे वापस चलता हूँ। अरे वाह, कितना बड़ा पेड़ है। अरे यार खूबसूरत है। ए लखन के बच्चे, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे हाँ, ऐसे ही दौड़ते रहे छोटे, तुम्हारे कान ऐसे लाल क्यों है? भाई लगता है मेरा कान थोड़ा नाजुक है, वो दुखता है। अरे यार ऐसे मैं काम कैसे कर पाऊंगा, वो तो भालू सारा काम खराब कर देते हैं। ये तो जरूर सर का ही फोन होगा। हेलो लखा बोल रहा हूँ मैं। मेरे लाल कैसे हो तुम? अरे मम्मी सब कुछ कैसा चल रहा है? हाँ ठीक है, बाहर थोड़ी ठंड है बस। आशा करती हूँ कि तुम्हें सर्दी न लगे, इसका ध्यान रख रहे हो। अपना जैकेट भी पहन लिया और टोपी भी, ठंडी के मौसम के लिए तैयार। ये अच्छा है, तुम्हें पता है आज संक्रांति है। सच में? हाँ, तो याद करके गुलगुला खा लेना ताकि तुम्हारा कान जल न जाए। ये लो बेटा खा लो, स्वादिष्ट खाना शुरू करो बेटा। गुलगुले मेरे पसंदीदा है। लखा बेटा क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अरे हाँ मम्मी, मैं अभी बात नहीं कर सकता, बाद में फोन करूँगा। क्या बोल रहे तुम, क्या बात है? ये हुई ना बात। इससे एक गुलगुला तो बन जाएगा, और कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए? गुलगुले के अंदर क्या डालूं? समझ गया, मैंने एक पत्ता गोभी तो बचा के रखी हुई थी। ये काम ऐसे होता है छोटे। अरे बात क्या है, नहीं पकड़ सकते तो शर्मा मत, मुझे तुम बता सकते हो क्यों? हाँ, यहाँ का सबसे अच्छा मछली पकड़ने वाला तो मैं हूँ। वो तुम नहीं हो, तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी सारी मछली पकड़ी थी। तुम क्या हार मानना चाहते हो? हाँ कभी नहीं। एक और बार बाजी मार ली छोटे, ये देख। एक और। चलो मैं जाऊँ रहा हूँ। छोटे जाने भी दे, इन सारी मछलियों को हम दोनों मिलके खा सकते हैं। ये देखो ये सब हमारे लिए है। सच में? जरूर मेरे नादान भाई, मैं तुम्हारा देखभाल करते रहूँगा। ये तो बाहर आने की कोशिश कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि लखा फिर से हो सकता है? अच्छा चलो चल के देखते हैं। यहाँ चारों तरफ इतने गड्ढे किसने बना दिए? जिसने भी किया है उसने सही नहीं किया है। बहुत हो चुका। उसके लिए सॉरी बोलू क्या लखा को? नहीं। चलो हम चलते हैं, हमें टुकू को गाजर भी तो वापस करना है। जबकि हमारे पास गाजर तो होंगे ही ना। लखा भी कभी भी अजीब सा काम करता है, क्यों भाई? मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता, थोड़ा ज्यादा ही है वो। क्या? अरे
यहाँ इतनी ठंड है और लखा कोई पेड़ नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, समझा? मैं बोलता हूँ कि चलो उसके घर पे जाके उसे देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है लखा क्या करना चाहता है? मुझे तो लगता है कि पेड़ काटने की भाषण बना रहा है। हमें पता लगाना पड़ेगा। मुझे याद है मैंने उसे इस पेड़ के नीचे ही छुपाया था। शायद मैं गलत था, मैंने उसे कहाँ छुपाया था? ठीक है, हो सकता है वो वहाँ हो। अरे ये भी गलत है, फिर तो ये कहीं भी हो सकता है। लगता है मुझे कहीं और ढूंढना पड़ेगा। मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा सोचो लक्का। हाँ मिल गया। ये रहा वो। मैं कितना खुश हूँ कि मैंने तुम्हें बचा लिया। गंदे भालू। अंदर क्या है? मुझे तो कुछ खाना जैसा लग रहा है। वो तो बस रंग करने वाले कुछ पेंसिल है, एक चित्र बनाने के लिए। सुनो, हमें बता दो लखा, तुम क्या कोई पेड़ काटने की मशीन बना रहे हो यहाँ पर? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये तो सिर्फ एक मटका है, अब जाओ यहाँ से। लखा को तो ये जग से बहुत ज्यादा ही प्यार दिखता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई। तुमने सही पकड़ा, हमें उस चीज को खोल के देखना होगा। चलो मैं तुझे पकड़ लूंगा। मेरे पास तो बस इतना ही था। ये तो कोई नए किस्म का हथियार लग रहा है, कुछ बताओ बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया है। ए भाई देखो, ये तो बत्ता गोभी वाला अचार है। तुम दोनों गंदे भालो, बेवकूफ कहीं के मेरा आखिरी बत्ता गोभी खराब कर दिया। अब तो खुश होगे तुम? शुक्रिया इसे बर्बाद करने के लिए। रुको, क्या भाई? हमने कुछ नहीं किया, फिर भी ये शुक्रिया बोला। मैं कितना दुखी हूँ, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। क्यों? लखा के बच्चे। देखो आप लोग हैं। अब मेरा क्या लेना चाहते हैं वो दोनों? दरवाजा लखा जल्दी कर। तुम दोनों ने लखा के साथ पंगा लेने का गलत दिन चुना है। गंदे भालो, हम माफी चाहते हैं, हमें बुरा लग रहा है। ठीक है तो फिर कहीं और जाकर ये नाटक करो। यह तो सच में पागल है, लगता है मैं घर जाना चाहिए। हम शर्मिंदा है लखा, हमें पता नहीं था कि तुम्हारा आखिरी बचा हुआ खाना है। हम तुम्हारे लिए कुछ और भी खाना लेके आए हैं। दरवाजा खोलो, हम सच में माफी चाहते हैं। मेरे पास फल है। खाने को लेके हम शर्मिंदा है, हमसे जितना बनता था हम कर रहे हैं। अरे रुक जाओ। क्या तुम दोनों भूखे हो? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ खाना खाना चाहो। हम खुशबू तो अच्छी है। ठीक है, अब खाने का वक्त हो गया, ये लो। मजा आ गया।
मुझे तो ये बताना ही पड़ेगा कि सच में हमारा तुमने दिल जीत लिया। दरअसल ये मेरी मम्मी के नुस्खों का कमाल है। और ये बहुत गर्म है। हाँ ठीक है, क्या मैं थोड़ा ले सकता हूँ? थोड़ा पका लेता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा।